नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई वेबसाइट या ब्लॉग है या यूट्यूब चैनल है तो आप इसके लिए मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हो। यही नहीं दोस्तों, आप इस ट्रिक से मैसेंजर ऐप या न्यूज ऐप भी बना सकते हैं। गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि वेबसाइट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में काफी पैसे खर्च करने होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल फ्री है और आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना है मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्लॉग या वेबसाइट के लिए फ्री में एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले appsgear.com की इस साइट को ओपन करना है और यहाँ पर दोस्तों अब आपको ये क्रिएट ऐप बटन पर क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी दोस्तों, यहाँ पर आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैसेंजर, फ्री वीडियो कॉल्स, वेबसाइट, ब्राउजर, यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। तो हमें दोस्तों वेबसाइट के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो हम वेबसाइट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा दोस्तों, तो यहां पर आपको इस URL के बॉक्स में अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना है। तो चलिए मैं यहां पर एंटर कर देता हूं, hinglishelp.com। तो जो दोस्तों आपकी वेबसाइट होगी आपको उसको यहां पर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों ये गो के बटन पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और थोड़ी देर में दोस्तों आपकी वेबसाइट का एप्लीकेशन वर्जन है वो इस मोबाइल फ्रेम में इस तरह से शो होने लगेगा। तो अब दोस्तों आपको बॉटम साइड में आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी इस एप्लीकेशन का नाम देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हिंग्लिश हेल्प लिखा हुआ आ गया है। तो आपको इस तरह का कोई नाम देना है जो बिल्कुल यूनिक हो और पहले यहाँ पर कभी यूज ना हुआ हो। नाम एंटर करने के बाद दोस्तों अब आपको नेक्स्ट के इस बटन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डालना है। तो जैसे कि दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपने पहले से उसमें कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट का आइकन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिंग्लिश हेल्प का जो आइकन है यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फेविकॉन सेटिंग पहले से की हुई है इसलिए ये आइकन यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपने नहीं करी है तो आप आइकन पर क्लिक करके अपनी गैलरी से कोई भी इमेज ले सकते हैं। आइकन सेट करने के बाद दोस्तों अब आपको नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं ये सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्रिएट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपसे साइन इन करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको appsgear की साइट पर साइन इन करना है सबसे पहले, तो या फिर आप अपने गूगल अकाउंट से भी यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अपने एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद अब जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश हेल्प इस एप्लीकेशन का नेम है, इसी तरह से आपकी एप्लीकेशन का भी नाम यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, और यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको बॉटम साइड में आना है और यहाँ पर आप एक लिंक देख सकते हैं दोस्तों, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ। लिंक पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों आप इसे अपने मोबाइल में ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अपने मोबाइल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है जो मैंने क्रिएट की थी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी वेबसाइट का ये एप्लीकेशन वर्जन है। तो इस तरह से दोस्तों आप इजीली कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसे प्ले स्टोर पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।